वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है थर्सडे। मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं करा था। एक्चुअली मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं करा था। तो लेकिन मैंने परसों डाला था रात में एक ब्लॉग, तो कल कल नहीं करा था मैंने। तो आज है थर्सडे और थर्सडे की सुबह हो गई है और वही सब अपना ब्रेकफास्ट करके हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ सारा काम करने के बाद। और अभी मैंने चाय नहीं ली है तो चाय मैं भी थोड़ी देर में लूँगी। बट मैं अभी थोड़ा सा लंच की प्रिपरेशन करके रख देती हूँ टाइम से, जिस टाइम से मेरा लंच बन पाए इसीलिए मैं टाइम से ना उसकी प्रिपरेशन कर देती हूँ और फिर उसके बाद झटपट झटपट मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। एक्चुअली मेरे यहाँ बैंगन पड़े हुए थे तो वो भी थोड़ा सा, हम दो लोग रहते हैं ना, सब्जी हम बहुत सारी आ जाती है, ग्रीन वेजिटेबल काफ़ी सारी आ जाती हैं तो ना वो फिर कितनी जल्दी हम क्या क्या बना लें तो वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं कि हम सारी सब्जियां एक साथ बना लें। तो कुछ बैंगन पड़े हुए थे तो मेरा बैंगन आलू खाने का मन नहीं था तो मैंने सोचा उसका भरता बना लेती हूँ। और मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर मटर तीनों को मिक्स करके, और हम राइस बनाएंगे और चपाती ले लेंगे। एक्चुअली मेरे बाल बहुत ऑयली हो रखे हैं तो मैंने ऐसे भी फोल्ड, आज थर्सडे था इसलिए मैंने हेयर वॉश नहीं करा। कल बहुत ठंडी थी इसलिए मैं हेयर वॉश नहीं करा मैंने, क्योंकि कल बहुत ठंड लग रही थी। कल मैं करूँगी, कल फ्राइडे है तो कल मैं हेयर वॉश अपना कर लूँगी। और गाइस अब आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। एक्चुअल में मैं घर जा रही हूँ मार्च में और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं घर जा रही हूँ मार्च में। कुछ फंक्शन है वहाँ पे इसलिए मैं जा रही हूँ। और ये नहीं पता है कि मैं वापस यहाँ आऊँगी या नहीं आऊँगी, बट शायद आना पड़ेगा। हम लोगों का कुछ प्लानिंग चल रहा है तो पहले तो फरवरी में हम लोग कहीं जा रहे हैं, देन उसके बाद मैं घर जा रही हूँ मार्च में, तो मैंने रिवील कर दिया है। बट फरवरी में हम कहाँ जा रहे हैं धीरे धीरे आपको पता चलेगा, और फरवरी में ऐसा क्या है, हम क्यों जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। तो ये सब है। और अगर कोई गैस कर सकता है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर करना कि क्या हो सकता है फरवरी में। या तो मैं भी कट करने जा रही थी टमाटो, अनियन और दो ग्रीन चिली। ये मैं आलू टमाटर के लिए करने जा रही थी तो मैं सोच रही हूँ पहले आलू टमाटर बने रख देती हूँ। और बैंगन को मैंने ना कट कर पील करने के बाद कट करके बॉईल कर लिया है। बॉईल करके मैंने उसको एक प्लेट में निकाल लिया है जिससे वो ठंडा हो जाए, फिर मैं उसको मैश कर दूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ बैंगन का भरता। पर अच्छा तो वैसे लगता है ना जैसे कि हम गैस पे रोस्ट करके बैंगन का भरता बनाते हैं, बट ना बैंगन का समझ में नहीं आता। मुझे बहुत डाउट रहता है कि अंदर कोई कुछ हो ना बैंगन के, इसलिए मैं हमेशा ना पील करने के बाद उसको बॉईल कर लेती हूँ कुकर में 2 सीटी के साथ, और बस वो मेरा रेडी हो जाता है। उसके बाद मैं बैंगन का भरता बना लेती हूँ। तो अभी मैं आलू टमाटर जल्दी से ये सारी चीज़ें कट करके बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बैंगन का भरता की तैयारी करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ ये कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। और मैं अभी बेड पे बैठ के कर रही हूँ क्योंकि किचन में खड़े होकर इतनी देर नहीं हो पाता है। यहाँ किचन वैसे ही नहीं है तो किचन में नहीं कर पाती, बहुत मैस हो जाता है किचन में। तो मैं अब ये कट कर रही हूँ।
रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बट यहाँ ना मेरे को यहाँ के किचन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो कैमरा है वो सेट नहीं हो पाता है, वहाँ पे ट्राईपॉड के साथ भी वो सेट नहीं हो पाता है, तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। बट मैं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इन चीज़ों की रेसिपी, वैसे तो आलू टमाटर एक बेसिक सब्जी है जो सबको आती होगी, सब अपने अपने तरीके से बनाते होंगे, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने तरीके से। एक्चुअल मेरे आलू टमाटर की सब्ज़ी एक तो बॉयल आलू करके बनती है और एक कच्चे आलू की बनती है, तो मैंने रॉ पोटैटो यूज़ किया था आलू टमाटर के लिए, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब उसको अगर आलू ना बॉयल करके बनाओ, सिंपल ऐसे आलू की बनाओ, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। अब मैं बैगन के भरते की तैयारी कर लेती हूँ, तो उसमें मैं दो अनियन ले रही हूँ, थोड़ा बड़ा अनियन ले रही हूँ, बिग साइज़ अनियन, और 2.5 टमाटो ले रही हूँ, और 3 रेड चिली ले रही हूँ, लेस गार्लिक नहीं ले रही हूँ क्योंकि ना वो मेरे पास पेस्ट रखा हुआ है, मैं उसको ऐड कर दूँगी उसमें। तो अब मैं जल्दी से, तब तक मेरा आलू टमाटर मटर भी तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं ये बैगन का भरता बना लूँगी, देन हस्बैंड आएंगे तो मैं राइस बनने के लिए रख दूँगी। चपाती का आटा रखा है लगा हुआ, तो वो सब कर लेंगे, तो हम जल्दी जल्दी से बैगन का भरता बनाते हैं, उसके बाद मैं पहले कप चाय बनाऊँगी। मैंने अभी चाय नहीं ली है, तो पहले मैं चाय बनाऊँगी क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि सर में दर्द होने लगा मेरे। एक्चुअली मैं नहाने के बाद जब तक चाय ना लूँ ना तो हेडेक होने लगता है मेरे साथ है, अगर आप लोगों के साथ है तो मुझे बताइएगा, बट मेरे साथ होता है। तो मैंने अभी चाय नहीं ली है, मैं बैगन का भरता बना लेती हूँ पहले, तो मैं थोड़ा ये लंच से फ्री हो जाऊँगी, देन उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता, तो मैंने इसमें पैन रख दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी, तो अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, अब हम इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ है, तो उसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया है, और इसके बाद मैं थोड़ी सी डालूंगी हींग, मैंने हींग भी डाल दी है। अभी अच्छे से होने देंगे, इसके बाद मैं डालूंगी इसमें जो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, मैंने फाइनली चॉप किया है इस प्याज को, तो मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी इसमें, और इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे। बहुत अच्छे से भूनेंगे हम इसे, अच्छे से ब्राउन होने देंगे।
अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च जो मैंने बहुत बारीक बारीक काटी है। भरने के लिए सब चीज़ हम लोग बारीक ही बारीक काटेंगे, तो मैंने अब हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। देखिए हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ये गार्लिक पेस्ट है ये ऐड करूंगी, तो मैं इसमें डाल देती हूँ अब थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट। मैंने लहसुन काटा नहीं था, मैं इसमें पेस्ट डालूंगी। मैंने ये थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए आप अच्छे से हो रही है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक, अदरक मैं थोड़ा कस के डालूंगी। तो मैंने अदरक डाल दिया है तो हम इसे भी अच्छे से भूनेंगे। डाल दिया, अभी देखिए अच्छे से भून चुका है ये। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ये देखिए अब मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी जो मैंने बारीक बारीक काटा था टमाटर, ये है 2 से 2.5 टमाटर है, तो मैं इसको ऐड करूंगी। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से मैश ना हो जाए। तो इसमें इसको अच्छे से हम गलाने के लिए टमाटर को इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे ये जल्दी गल जाएगा, और हमें गलाना ही है। तो टमाटर को गलने दीजिए। हमें इसमें टमाटर को गलाना है तो मैं इसको कवर कर दूंगी तो ये गल जाएगा। अब हमें गलने देना है तो हम इसको गलाने के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे ये अच्छे से गल जाए और गले भी। अब हम बैगन को टमाटर को अच्छे से गलने देंगे कवर करके। तो अब जब तक टमाटर गल रहा है तो आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से गल गया है।
हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे टमाटर को, क्योंकि हम भरता बना रहे हैं तो भरते में थोड़ा मैश ही अच्छा लगता है। हम इसे थोड़ा सा और गलने के लिए छोड़ देंगे, अभी ऐसे इससे हुआ नहीं है, आजकल थोड़ा कच्चा सा टमाटर आ रहा है, टाइम लेता है थोड़ा सा पकने में। मैं ऐसे से मैच कर दिया लेकिन इसको थोड़ी सी और छोड़ दीजिए, तो मैं इसको थोड़े देर के लिए भी और छोड़ देती हूँ, थोड़ा और गल जाए। तो देखिए ये अब कम्प्लीटली हो चुका है और इसमें तेल भी छोड़ गया, तो ये पक चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें अब मसाले ऐड करूँगी। मैंने हल्दी पहले से डाल दी थी क्योंकि वो अच्छे से कच्चे बन के ना आए उसमें, तो अब मैं मसाले ऐड करूँगी इसमें। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, तो अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बाद में गरम मसाला मैं ऊपर भी डालूंगी, और मैं इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ। आपके पास किचन किंग हो या कुछ भी हो तो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी डाल के जिससे मसाला थोड़ा अच्छे से पक जाए। ये देखिए मसाले को भी हम अच्छे से पका लेंगे। अब हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है, इसने साइड से मतलब तेल छोड़ दिया है, तो हमारा मसाला रेडी है, पक गया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने बैंगन को मैश किया था वो वाला बैंगन। फाइनली हम इसमें अब बैंगन डालेंगे। हम इसमें बैगन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे फिर टेस्ट को, पर ध्यान रखिए हमने थोड़ा सा बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था, थोड़ा सा मसाले में भी नमक है, तो मैं अभी कम ही डालूंगी नमक और देन उसको चेक कर लेंगे हम कि नमक कैसा है। तो अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ।
अब हम इसे थोड़ी देर से कवर भी करेंगे जिससे ये अच्छे से मसाला बैगन के अंदर चला जाए। अब हम इसे भी थोड़े के लिए पकाएंगे क्योंकि मसालों का बैगन के साथ मिलना, मतलब मसाले बैगन के अंदर अच्छे से चले जाए, उसका टेस्ट बैगन में भी आ जाए, तो हमें इसको स्लो फ्लेम पे मतलब एक बार और पकाना पड़ेगा। उससे पहले मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर से खुशबू के लिए, तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। मैं इसे पकने दूंगी थोड़ी देर, देन उसके बाद जब ये पक जाएगा अच्छे से मैं एक बार नमक टेस्ट कर लूँगी, अगर इसमें कम होगा तो मैं फिर से डाल दूँगी क्योंकि सूखी सब्जी में थोड़ा सा डाउट रहता है। तो हम इसे अब अच्छे से पकने देते हैं थोड़ी देर, मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसमें हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है हरा धनिया, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, या मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी वो लेते आएंगे, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया एंड फाइनल मैं आपको उसको दिखाऊँगी। तो देखा आप सबने, मैंने अपना भरता तैयार कर दिया है और मेरा आलू टमाटर भी तैयार हो गया है, तो मैं आपको फाइनल ज़रूर दिखाऊँगी। अब मुझे बस राइस रखने हैं, तो मैं टाइम देख लेती हूँ क्या हो रहा है, 1 बज गया है, तो मैं अपने हस्बैंड को कॉल करने के बाद उनसे पूछूंगी वो कितनी देर में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं चावल रख दूंगी बनने के लिए, और मेरा आटा लगा हुआ रखा है, मैं रोटी बना लूंगी, और फाइनल मैं आपको अपना बैगन का भरता ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मेरा मतलब मैं इस तरीके से बैगन का भरता बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, और मैं भी अलग अलग तरीके से फिर ट्राई करूँगी बैगन का भरता बनाना, लेकिन ये मेरी ये इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा बैगन का भरता तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी, और ऐसे ही मैं कुछ न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो अब मेरा बस लंच ऑलमोस्ट रेडी है, बस मुझे राइस रखने और चपाती रखनी है, और मैं सैलेड काट लेती हूँ थोड़ा सा, तो बाकी सब बस, और मैंने अभी चाय नहीं पिया, मैंने जैसे कि आपको बताया था आज मैंने मेरी चाय मुझे लगता है स्किप हो गई है, क्योंकि अब मैं चाय पीऊँगी तो मेरे को भूख नहीं लगेगी, मैं कुछ खा नहीं पाऊँगी, तो मैं अब चाय रहने देती हूँ। मैं सोच रही हूँ लंच करने के बाद अगर मेरा मन हुआ तो मैं चाय ले लूँगी, और मैं अब जो अपना बाकी का लंच का काम है बचा हुआ उसको कंप्लीट कर देती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, जैसे कि मुझे सैलेड काटना है और राइस रखना है बनने के लिए, तो मैं वो सब कर लेती हूँ और देन मैं फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। प्लेट और ये है बैगन का भरता, आलू टमाटर, सलाद, अचार और रोटी और चावल, तो ये मेरा बैगन का भरता है। तो हम लोग लंच करने जा रहे हैं, मैंने आपको अपनी प्लेट दिखा दी है, बैंगन का भरता, आलू टमाटर, सलाद, अचार, रोटी और चावल, तो हम कर लेते हैं लंच। ये देखिए तस्वीर, एकदम से तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है।